बिस्मिल्लाह नौ में खुशामदीद। आज हम आपके साथ कैदियत मिनिस्ट्री की लिटरल इंट्री इन फिफ्थ सेमेस्टर अब भी इस प्रोग्राम की वीडियो शेयर करने जा रहे हैं। ये उन हजरात के लिए है जिसने एमएससी की हो और वो चाहते हैं कि वो फिफ्थ सेमेस्टर में एंटर हो जाए, और उसकी सॉरी जिस स्टूडेंट ने बीएससी की हो और वो चाहते हैं कि उसकी एमएससी हो ना हो तो वो फिफ्थ सेमेस्टर में अप्लाई कर सकते हैं। इसमें हमारे पास जो है 31st लास्ट डेट है अगस्त की, तो जिन जिन स्टूडेंट ने अभी तक अप्लाई नहीं किया और जिसने बीएससी की है और वो चाहते हैं कि वो एमएससी करे तो वो फिफ्थ सेमेस्टर अब भी इस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने अप्लाई करनी हो तो आपने वेबसाइट के ऊपर इधर क्लिक करना है और आपने अपना एक लॉगिन साइनअप करना है, और फिर इसके बाद आपने सारे डॉक्यूमेंट्स उस पर अपलोड करना है। तो आइए चलते हैं इसकी कुछ और इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है वो गेट कर लेते हैं। ये है लेटरल इंट्री इन फिफ्थ सेमेस्टर बीएस प्रोग्राम फॉल 2020। इसमें हमारे पास जो डिपार्टमेंट शामिल है वो हमारे पास है कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, जियो फिजिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड स्टेटिस्टिक्स। इसमें जो रूल रेगुलेशन वो है कि इसमें ये है कि इन नेपाल सब्जेक्ट्स बाई 31/08/2020 अ पर्सन होल्डिंग बैचलर मिनिमम ऑफ 14 ईयर ऑफ एजुकेशन और इट्स इक्विवेलेंट पास विद मिनिमम 50 मार्क्स में अप्लाई फॉर एडमिशन। तो ये बायोकेमिस्ट्री की है, इसी तरह बायोलॉजिकल साइंसिस की है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ये है फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस में आर्कियोलॉजी, बीबीए, इकोनॉमिक्स एंड साइकोलॉजी। तो ये आप अप्लाई कैसे करोगे, आप इधर क्लिक करोगे तो आप ऑनलाइन अप्लाई पे चले जाओगे और 31 अगस्त से पहले पहले अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, जो बंदा अप्लाई करेगा वो 2115 रुपये भी बैंक में जमा करेगा। अगर आपने डायरेक्टली कैदियत यूनिवर्सिटी की बैंक में जमा करनी हो ब्रांच में तो आपने फिर 21,000 जमा करने होंगे। आपने बैंक की जो चालान है वो अपने ऑनलाइन एडमिशन डेटा के साथ सबमिट करनी है, स्कैन कॉपी। इसके बाद फिर आपको जो चाहिए या आपकी वो रिक्वायरमेंट्स है, प्री रिक्वायरमेंट जो आपके इसकी डिटेल चाहिए, मार्कशीट हो गई इंटरमीडिएट की, ग्रेजुएट की, इसी तरह सर्टिफिकेट हो गई, डोमिसाइल, आपकी आईडी कार्ड, इस आर इंफॉर्मेशन वेरी इंपॉर्टेंट। जनरल इंफॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो उसमें एलिजिबिलिटी अगर देखी जाए तो ये इसकी एलिजिबिलिटी है, सिर्फ 50% के स्टूडेंट्स जो है अलाउड है। इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट है, एडमिशन इन रेगुलर रिजर्व फॉर चिल्ड्रन एंड आर्मी, डिसेबल पर्सन, माइनॉरिटी एंड फॉरन, ये इधर कोटे हैं हमारे पास। हॉस्टल एकोमोडेशन है, स्कॉलरशिप फाइनेंस है। तो मेरिट लिस्ट इसका लगेगा पहला 7 सितंबर को, फिर 14 सितंबर को, फिर 23 को, इसी तरह मेरिट लिस्ट भी इसके लगेंगे। तो ये उन हजरात के लिए बहुत खुशी का मौका है जिसने बीएससी की है और वो चाहते हैं कि हम एमएससी करना चाहते हैं, तो प्लीज़ वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें टाइम ज़ाया ना करें और प्लीज़ अप्लाई करें। उम्मीद है आज आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम, बाय बाय।